नमस्ते, मैं भूटिया ग्रैंड मास्टर हीलर क्रिस्टल हीलर ट्विन फ्लेम कोच टैरो रीडर पीएलएफ थेरेपिस्ट एंड क्रिया कुंडलिनी मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टीआरआर कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो, करंट फीलिंग की वीडियो। बट आप लोगों का बहुत सारा लोगों का कमेंट सेक्शन में ऑलवेज या मुझे पर्सनली भी व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट किया गया था कि मैम एक कैंडल वर्क्स रीडिंग कीजिए, बहुत दिन आपने कैंडल वर्क्स रीडिंग नहीं किए हैं। तो आप लोगों का ये चैनल है, आप लोगों का रिक्वेस्ट मैं कैसे माना करूँ। तो मैं लेके आई हूँ आज का कैंडल वर्क्स रीडिंग। ठीक है, देखते हैं ये जो मर्करी रिट्रोग्रेशन वो खत्म होने वाला है, ओवरऑल एनर्जी में क्या एनर्जी है, आपकी पर्सन की एनर्जी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये ओवरऑल एनर्जी में देखते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है कैंडल वर्क्स रीडिंग में स्पेशली। सो जैसे मैं रीडिंग से पहले ऑलवेज सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ, अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, अगर ट्विन फ्लेम हीलिंग ट्विन फ्लेम कोचिंग चाहिए जिसमें प्रॉपरली आपको इनर वर्क करके कैसे प्रॉपरली इनर वर्क किया जाता है, कहाँ पे आपका ब्लॉक है, कहाँ पे ब्लॉकेज है, सब कुछ क्लियर करके हार्मोनियस रियूनियन की तरफ आपको लेके जाया जा सकता है। एंड उसके साथ साथ अगर आपको डिस्टेंस रे की हीलिंग चाहिए फॉर योर रिलेशनशिप, मनी ब्लॉकेज, करियर ब्लॉकेज, आपका एजुकेशनल कोई प्रॉब्लम, हेल्थ वाइज एनी प्रॉब्लम, आप अगर डिस्टेंस रे की हीलिंग चाहिए, अगर पीएलआर करवाना है, अगर प्योर एनर्जाइज क्रिस्टल चाहिए आपकी प्रॉब्लम को हील करने के लिए, प्योर क्रिस्टल एनर्जाइज क्रिस्टल जो आपकी प्रॉब्लम आपकी नेम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उसको मैं खुद एनर्जाइज करके आप तक पहुंचाती हूँ। अगर इनके अंदर कोई भी सर्विसेज चाहिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। कहाँ संपर्क करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880, उसमें व्हाट्सएप कीजिए, पिंग कीजिए, ओके। एंड प्रॉपरली आप लोग व्हाट्सएप ही कीजिए, कॉल मत कीजिए। व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप कॉल स्टार्ट हो जाता है, मत कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है आपकी जब रीडिंग कर रही हूँ कॉन्सेंट्रेट करके आपकी रीडिंग कर रही हूँ तब दूसरा लोग कॉल करे तो आपको डिस्टर्ब होगा ना। सो जो भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पे बताइए, कोई भी कंफ्यूजन हो फिर से पूछिए, मैं आराम से वॉइस मैसेज में उत्तर दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मगर व्हाट्सएप में पिंग कीजिए, अदरवाइज वॉइस मैसेज में मुझे व्हाट्सएप में भेजिए। चलिए सर्विसेज के बारे में तो हो चुका है, अभी आप लोगों का सबसे ज्यादा पसंद का कौन सा है, रीडिंग से पहले दो बातें। सो आज के रीडिंग से पहले दो बातें, आज मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा स्टोरी बताऊ आप लोगों का, क्या होता है जिंदगी की इफेक्ट क्या होता है, क्या क्यों कैसे आप जिंदगी को देखोगे इसके हिसाब से छोटी सी स्टोरी। एक बार 25 मेंढक एक साथ जंप करते 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 एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। बारिश की मौसम था, बहुत खतरनाक, पूरा स्लिपरी हर तरफ था, पूरा मिट्टी मिट्टी पानी ऐसे भरा हुआ था। उसके अंदर 25 मेंढक जंप करते 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 जा रहे थे। हुआ क्या, इसके अंदर 5 मेंढक जंप जो कर रहे थे, एक कुआं था, उस कुआं में गिर गए, उस कुआं में गिर गए 5 मेंढक जंप करते करते, और बाकी का 20 मेंढक वहां पे जाके डर गए। और वो कुआ था बहुत ही एकदम बहुत डीप कुआ था, तो बाकी का 20 मेंढक का तो समझ में आया ये लोग बाहर नहीं आ पाएंगे, तो बोलना स्टार्ट किया, हाय भगवान ये तो ऐसे ही नीचे गिर गया 5 मेंढक, क्या करें ये लोग तो कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे, कभी जिंदगी में उठ नहीं पाएंगे, हाय हाय क्या होगा, ऐसा बोलना स्टार्ट किया बाकी का 20 मेंढक। वो लोग तो गिर गए, गिरने की बात फास्ट मेंढक तो पहले ही डर गए, बोला नहीं मैं तो उठ ही नहीं पाऊंगा, कैसे मैं उठू, क्योंकि ये लोग भी बोल रहे मैं इतना एकदम डीप में गिर गई हूं या गिर गया हूं, मैं क्या करूं। सेकंड जो मेंढक था नहीं, बोला नहीं
कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं पढ़ सकते, कुछ तो आगे जाना पड़ेगा, कुछ तो आगे जाना पड़ेगा। वो ट्राई करना स्टार्ट किए, वो ट्राई करना स्टार्ट किए उठने के लिए। जितना उठ रहा है पिछल रहा है, जितना उठ रहा है पिछल रहा है, क्या करें। फिर ये लोग तो बोल ही रहा है, हाय राम कैसे जाएगा, ये इतना डीप कुआ है, इतना डीप कुआ है। वो 10 मिनट बहुत ट्राई किया एंड आफ्टर दैट वो हाल छोड़ दिए, वो गिर गए। उसके बाद आया तीसरा मेढक, तीसरा मेढक 20 मिनट तक कोशिश किया, उठना है उठना है उठना है, मगर बाहर के लोग, बाहर की जो मेढक था कंटिन्यू नहीं, आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, ये बहुत सारा कंटिन्यू कैसे होगा, इश पिसल जाएगा, इश पिसल जाएगा, वो भी छोड़ दिया। चार नंबर मेढक था, वो भी 20-25 मिनट तक बहुत फाइट किया, नहीं हो गया। 5 नंबर जो मेढक था वो कंटिन्यू ट्राई करते गए, कंटिन्यू ट्राई करते गए, और सब बोल रहे, अरे मूर्ख, कम से कम नीचे रहने का जो हिम्मत, उसके लिए फाइट करना चाहे, उसका शक्ति को खराब मत कर, ऊपर मत उठने का कोशिश कर, आपको पूरा एनर्जी पूरा खराब हो रहा है। मगर वो धीरे 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 उठने का बार बार कोशिश करा, बार बार गिरा, बार बार कोशिश किया, बार बार गिरा। ऐसा करते 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 पांचवा जो मेढक था वो कुआ से बाहर निकाला है। सबने बोला, कैसे, तू कैसे निकाला, इतना जरा हिम्मत था। पता चला ये पांचवा जो मेढक था वो बहरा था, उसको सुनाई नहीं दिया। वो लोग जो चिल्ला रहे थे उनको, उसको लगा कि वो एनकरेज कर रहा है बाहर निकालने के लिए, वो सुनाई नहीं। जिंदगी में वो ही आगे जा सकते, वो जो दूसरे की बात सुनते नहीं है, जो दूसरे की बात में इन्फ्लुएंस्ड हो गए, नहीं तुझसे नहीं हो सकता। नेगेटिव बात बोलने वाला ही मैक्सिमम होता है, क्योंकि हम लोग का सोसाइटी ऐसा करके तैयार किया जाता है। सोसाइटी कभी नहीं चाहते कि अपग्रेडेशन हो, अपग्रेडेशन होगा ना बहुत कुछ प्रॉब्लम आएगा, सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम आएगा, पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएगा, आपका अपग्रेडेशन देखना बहुत मुश्किल होता है मैक्सिमम केसेस में। ये छोटे से छोटे एकदम एकदम एमीबा से स्टार्ट करके अगर देखा जाए अल्टीमेटली मनुष्य तक, ये जो सिलसिला चलते रहते हैं। सो किसी की बात सुनना नहीं है, आपको आगे जाना है, आपका जो प्रत्यय है, आपका जो इंस्टिंक्ट है, उसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखिए। आपको गोल तक पहुंचना है, बाहर के लोग कुछ भी बोल दे। आज वो मेढक बहरा था इसीलिए उसकी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मैं आपको बहरा बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मगर आप मनुष्य हो, आपके अंदर अलग सा शक्ति है, आप खुद के ऊपर बिलीव करना स्टार्ट कीजिए। मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगा, मुझे डिसरेस्पेक्ट हुआ है इस रिलेशनशिप से, तू तो निकाल ही नहीं पाएगी, वो तो खराब है, तुझे तो ऐसे ही गोल गोल घूमना पड़ेगा। आपका चॉइस है, आपको रहना है फाइट कीजिए, आपके लिए कीजिए। अगर नहीं रहना है निकाल जाइए, मूव ऑन कर जाइए, कोई रोक नहीं सकते आपको। याद रख के चलना, आपका भविष्य, आपका वर्तमान, एवरीथिंग इन योर हैंड ओनली। ओके, चलिए ये स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, ये स्पेशल एनर्जी में आपके लिए क्या सोच रहा है, क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, आपके लिए आप ही इसे बर। चलिए रीडिंग से पहले, जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि ये तिब्बतियन बाउल का जो साउंड, प्लीज सुनिए, अगर हेडफोन लगा के सुन सकते हैं, काफी एनर्जेटिकली बैलेंस फील करेंगे, काफी रिलैक्स फील करेंगे। ट्राई कीजिए आराम से सुनने के लिए, एंड उसमें क्या होगा, आपका भी कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ेगा, आराम से सुन पाएंगे। जो भी सजेशन देंगे स्किप नहीं करके पूरा सुनिए, देखिए आपके लिए वो सबसे अच्छा रहेगा। सुनिए आपका साउंड।
स्टार्ट करते हैं आज का कैंडल वैक्स रीडिंग। आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहा है, डिप्रेस्ड फीलिंग क्या है, क्या दिमाग में है, क्या छुपा रहे हैं या ओपन अप करने की क्यों नहीं करते, सब मिला जुला के आज का रीडिंग इस मोमेंट पे क्या सोच रहा है आपके पर्सन आपके लिए, सिचुएशन भी क्या है वो भी देखना है। ठीक है, चलिए काफी एक नजदीक आने का इच्छा दिख रहा है, यहाँ पे नजदीक आने का इच्छा दिख रहा है। एंड मेन जो एनर्जी आपके लिए भी उसे मैक्सिमम जो आ रहा है, कार्मिक सिचुएशन से मुक्त होना, कार्मिक सिचुएशन से मुक्त होने वाला एनर्जी एक दिख रहा है। एंड वो ही एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ इनको खींच रहा है इस मोमेंट पे। देखिए ऐसा बहुत एनर्जी है बहुत लोगों के लिए अभी कुछ दिनों में, जो कार्मिक सिचुएशन है जो आपको ओपन अप नहीं कर पाए थे ये पर्सन, कहीं ना कहीं वो चीज आपके सामने आने वाले है, वो खुद ही एक्सप्रेस करने वाले है। अगर ये ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है तो उनका मैरिड लाइफ में क्या प्रॉब्लम है काफी एक्चुअली वो आपको क्लियरली बताएंगे। अगर वो अदर कोई सिचुएशन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में प्रॉब्लम में है जिसमें वो कमिटमेंट नहीं दे पा रहा है या सिचुएशन इनको रोक रहा है, वो भी क्लियरली बताएंगे वो क्या चाहते हैं। मगर चाहते वो आपको ही है, इमीडिएट एनर्जी में आपको ही चाहते हैं। बार बार जो कैंडल वॉक्स सम दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक चेजिंग एनर्जी दिख रहा है एनर्जेटिकली। इतना दिन तक आपका जो चेजिंग एनर्जी था उनके लिए वो दिख रहा है, आपको चेज कर रहा है एनर्जेटिकली। हो सकता है आपको समझ में आ रहा है, मगर आप क्या गलती कर रहे हैं, आप बेचैन हो रहे हो। क्यों बेचैन हो रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं नहीं रह सकती या मैं नहीं रह सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बेचैन हो रहा है, उसकी एक एनर्जेटिकल ब्रिज आपकी तरफ बन रहा है। उसके लिए वो अभी का सिचुएशन में मे भी भागना भाग रहा है या भाग रही है, मगर हर एक के लिए नहीं। कोई कोई लोगों के लिए मुझे दिख रहा है अभी भी ओपन अप करने के लिए थोड़ा सोच रहा है, क्योंकि अभी भी ऐसा सिचुएशन है, वो और थोड़ा सा टाइम लेंगे कार्मिक सिचुएशन को ओपन अप करने के लिए, किस कारण में ब्लॉक है। मगर इनको दिमाग में आ चुके हैं कि बहुत लोगों के लिए बोलना स्टार्ट भी हो चुके हैं कि कार्मिक के साथ मेरा ये प्रॉब्लम चल रहा है। वैसे ही बहुत लोगों के लिए वो थोड़ा सा ईगो एंड सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है, मगर ये ओपन अप करने वाले है कि कार्मिक के साथ वो क्या दर्द में है, क्या सिचुएशन में है। कार्मिक देखिए, फ्लेम देखिए, जब प्रॉपर रीडिंग में फ्लेम देखिए क्या होता है, बहुत आराम से पता चलता है कि क्या सिचुएशनल एनर्जी है। कार्मिक के साथ काफी डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, बहुत डिस्टेंस क्रिएट हुआ है। कार्मिक काफी जो भी सिचुएशन है इनको बहुत इन्फ्लुएंस करते थे, इनको बहुत कंट्रोल करते थे जो भी सिचुएशन है, मगर वो जगह से निकालने की कोशिश, क्योंकि उनका दम घुट रहा है कार्मिक के साथ, कार्मिक जो भी एनर्जी है उनके साथ। अगर ये रिलीजियन से रिलेटेड है तो वो भी इनको इतना दिन वो बहुत प्रायोरिटी की जगह में थे। देखिए आप जस्ट एनर्जी देखिए कैसे गिर रहा है, समझ में आया। कैंडल वैक्स रीडिंग करने के टाइम में फ्लेम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है एंड प्रॉपरली कैसे कैंडल गिर रहा है, दैट इज द एनर्जी, समझ में आया। तो एनी हाउ आपके लिए काफी स्ट्रॉन्ग प्यार दिख रहा है, काफी 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 स्ट्रॉन्ग प्यार, जहां पे वो ऐसा भी सोच रहे हैं मन ही मन कि इनको लेके कहीं दूर चले जाओ, अगर मैं हैंडल नहीं कर पाऊं तो इनको लेके कहीं दूर चले जाओ, हिम्मत होना हो। इमीडिएट एनर्जी में काफी दिख रहा है ये एनर्जी, और नहीं इनको लेके कहीं दूर चले जाओ, कुछ दिन मुझे और सहन नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब पार्मानेंट ही चाहते हैं, मगर हिम्मत जिनका नहीं है उनको लग रहा है कम से कम कुछ दिनों के लिए भी चले जाओ और मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मन में एक जलन सा एक एनर्जी आ रहा है जिसमें इनकी मन में जलन सा पैदा हो रहा है, और नहीं रह सकते, इस टाइप की एनर्जी है। कुछ दिन बाद ये इमोशन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये जो एनर्जी है अभी भी कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन वो डिसीशन ले चुके हैं,
कि नहीं रह सकते एंड ऑल एवरीथिंग, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है जहां पे हो सकता है ऐसा सिचुएशन है जहां पे वो निकालने के लिए एकदम डिसीशन ले तो रहा है मगर एक्शन इमीडिएट कुछ दिनों में पता चलेगा आपको। जिन लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट होने वाला एनर्जी दिख रहा है, कॉन्टेक्ट होने वाला एनर्जी काफी दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट वाले को, काफी मुझे एक एनर्जी दिख रहा है नो कॉन्टेक्ट और कॉन्टेक्ट होने के लिए। ऐसा बहुत लोग है जिन लोगों के लिए फ्रेंड या सिचुएशन या रिलेटिव या कोई भी प्रॉब्लम के कारण बन रहा था, समझ में कहीं ना कहीं आपकी बात दूसरे को बोलना, प्रॉब्लम क्रिएट करना, ऐसा बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है बन रहा था। उस जगह से एक कार्मिक सिचुएशन या जज से भी एक छुटकारा मिलने वाला एनर्जी है। अगर आपके लिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्रिएट हुआ है इनके दिमाग में, बहुत लोगों के लिए वहां से भी आप निकालने वाले हो, यहां से भी निकालने वाले हो। कार्मिक इन्फ्लुएंस से बाहर जाने वाला एनर्जी काफी दिख रहा है। कुछ ड्यूटीज इनको अभी भी निभाना है जिस ड्यूटी के लिए ये रुका हुआ एनर्जी में है, मगर वो एक्चुअली आपको पाना चाहते हैं। मतलब ऐसा है मैक्सिमम केस में देखना आप लोगों को शादी का या परमानेंट कमिटमेंट का जो इसे भी हो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। मगर देखिए कैंडल का फ्लेम बार बार बोल रही है वो कमिटमेंट देने के लिए काफी स्ट्रॉन्गली सोच रहा है, स्ट्रॉन्गली कमिटमेंट देने के लिए सोच रहा है। यहाँ पे जिन लोगों के लिए कमिटमेंट फोबिया है, इन लोगों के लिए कमिटमेंट, प्रॉपरली मिरर एक्सरसाइज कीजिए, प्रॉपरली अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि एनर्जी आ चुके हैं जहां पे ये सब ब्लॉकेज से बाहर निकालने वाले हैं। बस आप भी दरवाजा खुला रखिए, आप भी दरवाजा खुला रखिए, एनर्जी का गुलदस्ता लेके आने वाले है वो, ठीक है। ये वाला एनर्जी दिख रहा है। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स है जिंदगी में, अदरवाइज बहुत ज्यादा काम पे बिजी, जहां पे ऑफिस की सराउंडिंग्स लेके कुछ प्रॉब्लम है, जहां पे उनके दिमाग में कुछ टेंशन है, मगर हर टेंशन के हल इस मोमेंट पे मुझे आपको ही दिख रहा है। देखिए इस मोमेंट पे आपको ही दिख रहा है वो हर प्रॉब्लम की हल, जहां पे वो आके सब कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है दोस्तों से या परिवार से जहां पे वो बहुत ज्यादा समझ में आता था कि वो लोग ही सब कुछ है, आपको इग्नोर करते थे, वहां पे मुझे दिख रहा है एक धक्का खाने वाला एनर्जी। सच सामने आ चुके हैं और भी आने वाले हैं, सच सामने आ चुके हैं और भी आने वाले हैं, समझ में आया। तभी एक्चुअली वो आपकी तरफ आ रहा है। उनके लिए एक चीज मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, उनको बहुत हो सकता है कोई जगह गया है या कोई जगह देखा है, कोई मतलब कोई चीज देख के बहुत ज्यादा आपके लिए खरीदने की एक इच्छा दिख रहा है, बहुत ज्यादा दिख रहा है कि आपको लेके खरीदने वाला इच्छा दिख रहा है कि मतलब खरीद के दे या कुछ गिफ्ट दे, एक गिफ्ट वाला एनर्जी हो सकता है। कुछ चीज अचानक देख के इनको बहुत ज्यादा आपकी याद आया है, समझ में आया, इस टाइप की एनर्जी इनके दिमाग में। देखिए बहुत ज्यादा इच्छा है कुछ गिफ्ट देना है, नॉलेज टाइप की एनर्जी काफी दिख रहा है उनके लिए, उनके लिए, आपके लिए उनकी, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन दिख रहा है आप दोनों में, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, सोल लेवल कनेक्शन दिख रहा है, जिसको ये इतना दिन इग्नोर करके करने के बाद और नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे बहुत लोग है, एज डिफरेंसेस है आप दोनों में, बहुत लोग है जिनकी बहुत काफी एज डिफरेंसेस है, नॉट फॉर ऑल है, मगर वहां पे हो सकता है पहले वो ही एक बहुत बड़ा अगर का कॉज था, या रिलीजियन प्रॉब्लम था, या मैरिड थे, बहुत बड़ा कॉज था। अभी एक जगह आ रहा है जहां पे उनकी ये सब प्रॉब्लम से, ये जो मतलब दिस काइंड ऑफ जो टेंशन, दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी, ये सब से ये निकाल रहा है। फियर की एनर्जी अभी भी कुछ कुछ जगह में दिख रहा है, फियर वाला एनर्जी अभी भी दिख रहा है, सोसाइटी की फियर, सिचुएशनल फियर है। आप बिल्कुल अपने ऊपर काम कीजिए, जैसे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या लाइफ जर्नी कोई भी कर सकता है, प्रॉपरली एनएलपी कीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग देखना, इसमें काफी आपके लिए इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। प्रॉपरली अगर आप
फेस करने की कोशिश में आए कि नहीं मैं फेस कर सकती हूँ, फेस कर सकता हूँ, ऐसा बहुत सारा प्रोग्रामिंग है, उसके हिसाब से काम कीजिए। देखिए कुछ गिल्ट कुछ ब्लॉक अभी भी दिख रहा है। एवरी बॉडी इज मिरर इन ईच अदर, आप भी उनको कहीं ना कहीं मिरर ही कर रहे हो, तो ये मिरर से, ये जो मिररिंग कर रहे हैं इससे आप बाहर आइए। समझ में आया? मिररिंग से बाहर नहीं आना पॉसिबल नहीं है। एवरी वी ऑल आर एनर्जीज, तो नेचुरली एनर्जी का तो ये होगा ही, मिरर होगा, एनर्जेटिकल कनेक्शन होगा। बट आपके अंदर अगर ब्लॉक एनर्जी कम रहे, ना रहे, ना रहना तो थोड़ा मुश्किल ही है, अगर कम भी रहे, बहुत कम, मिनिमाइज कर दीजिए, तो नेचुरली वो क्या मिरर करेंगे, आपके ब्लॉक एनर्जी मिरर कर नहीं पाएंगे। इस एनर्जी में आइए। ऑलवेज क्या प्रॉब्लम है, वो सोच रहा है, रो रहा है, क्या हो रहा है, मगर आ क्यों नहीं रहा है भाई, खाली रो रहा है, रो रहा है, रो रहा है, आ क्यों नहीं रहा है वो, अगर इतना रो ही रहा है ब्लॉक एनर्जी के लिए आ नहीं रहा है। समझ में आया? ये ब्लॉक एनर्जी नहीं क्लियर करेंगे तो जिंदगी भर करंट फीलिंग की वीडियो सुन के आपको चलना पड़ेगा। आपको हल निकालना है, प्रॉपरली बैलेंस करना है अपने आप को, तभी तो, अगर इतना अच्छा एनर्जी में आपके पर्सन आ सकते हैं तो आप तक क्यों नहीं, आप तक भी आ सकते हैं। काफी अच्छा एनर्जी है, काफी अच्छा एनर्जी है आपके पर्सन की। मेन है प्यार की कमी, मुझे नहीं दिख रहा है प्यार का कमी, वो है ही, वो दिल से है, फटाक से अभी अभी प्यार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, प्यार पहले भी था, अभी भी है, भविष्य में भी रहेगा, मगर इसके साथ साथ जो कार्मिक सिचुएशन था वहां से छुटकारा हो रहा है, ये एनर्जी हो रहा है। 100% डिवाइन इंटेंशन है, मगर बाकी का इंटेंशन आपको फिट करना है। जो भी ब्लॉक एनर्जी है वो गुलदस्ते लेके आने वाले हैं, बस आप दरवाजा खोल के रखिए, है ना, आप वो एकदम सजा धजा के रखिए, है ना। दुल्हन लेने के लिए दूल्हा जब आएगा तब एकदम खुला सा, एक सुंदर सा एनर्जी तो होना चाहिए, है ना, तो वो एनर्जी आप क्रिएट कीजिए एनर्जेटिकली, खुद के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है आपके लिए, प्यार, कार्मिक से छुटकारा पाने की बहुत कोशिश, कार्मिक सिचुएशन से, साथ ही साथ वो चाहते हैं आपके पास आना, मगर इनकी गिल्ट एंड फियर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, सोसाइटी फियर एंड गिल्ट कुछ कुछ जगह से प्रॉब्लम कर रहा है, जहां पे बहुत लोगों के लिए कर रहा है, जिस जगह से आपको ही एनर्जेटिकली प्रॉपरली हीलिंग दीजिए, या प्रॉपरली आपकी, आप खुद के ऊपर काम करना, दोनों ही एक्सेप्ट करना तो और भी अच्छा है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत स्ट्रांगली सोल लेवल कनेक्शन मुझे दिख रहा है, प्रॉपरली अपने ऊपर काम कीजिए, देखिए मिराकल होने वाले है, एनर्जी काफी बेहतर होने वाला है। अभी जो एनर्जी है आप कुछ दिन जाने दीजिए, और भी इमोशनली आपकी तरफ खींचेंगे, ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी वो ही दिख रहा है, एंड साथ ही साथ कार्मिक से छुटकारा पाने का टाइम आ चुके हैं। सो ये ओवरऑल एनर्जी है आपकी पर्सन की आपके लिए आज, ठीक है। चलिए ये भी नहीं हो रहा है, तो ओवरऑल यही एनर्जी था आज की पर्सन आपके लिए, क्या सोच रहा है आज आपकी पर्सन आपके लिए, बहुत अच्छा एनर्जी मुझे पिकअप हुआ, बहुत अच्छा एनर्जी, बट साथ ही साथ ब्लॉक एनर्जी क्या क्या है मैंने बता दिया, डर है, गिल्ट है, ये दोनों चीज काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ये दोनों के ऊपर काम कीजिए, EFT कीजिए, NLP कीजिए, मिरर एक्सरसाइज कीजिए, काफी बेहतर एनर्जी होगा, ठीक है। प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, प्रॉपरली हील्ड हो जाइए, जो रेकी जानते हैं या किसी से हीलिंग ले रहा है वो बहुत अच्छा इस टाइम में, बहुत अच्छा, अगले कुछ दिनों में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी यही दिखा रहा है आपके पर्सन की आपके लिए एनर्जी, ठीक है, फीलिंग, इमोशंस, ठीक है, वो आना बहुत चाहते हैं, एकदम आना चाहता है, कम्युनिकेट नहीं है तो कम्युनिकेशन का एनर्जी है, प्रॉपरली मिरर एक्सरसाइज करेंगे, करना, देखना कितना अच्छा इफेक्ट होगा, ठीक है। हाँ, और एक रिक्वेस्ट है, मिरर एक्सरसाइज का एक वीडियो लेके आना, बहुत जल्द लेके आऊंगी, जैसे कैंडल वॉक्स लेके आई हूँ ऐसे ही मिरर एक्सरसाइज का एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द, ठीक है। सो ऐसा कोई कोई चीज के लिए जो भी आप चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो जो चीज आपको सीखना है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जो भी रीडिंग चाहिए स्पेशल कुछ भी टॉपिक के ऊपर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ये स्पेशल एनर्जी में फील फ्री टू टेल इन कमेंट सेक्शन व्हाटएवर योर विश, आपके दिल की जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, दिल खोल के कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जब भी हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से, सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आपका जो विश है वो फुलफिल हो जाए, मैनिफेस्ट करती हूँ आपके लिए, दिल खोल के बोलिए कमेंट सेक्शन में।
बिल्कुल। और आप लोगों की जब ये विश फुल हो जाता है, आप लोग इतना प्यार भरे मैसेज मुझे भेजते हो, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आप लोग हो गया बस भूल गए ना, आप लोग तुरंत भेजते हो मैम ये काम हो गया, थैंक यू थैंक यू, मुझे नहीं बोलना, थैंक यू गॉड को बोलना, थैंक यू यूनिवर्स को बोलना, एक्चुअली थैंक यू उनको ही बोलना चाहिए, है ना, उनकी इच्छा के बिना एक पत्ते तक नहीं हिलते। सो आप लोग खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, एकदम पीस में रहिए, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, दिल खोल के बोलिए आपके दिल की क्या फिश है। मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। थैंक यू।